वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 9 ऑफ सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, साइंस का हम चैप्टर 9 आज देखते हैं स्टूडेंट्स। सॉइल 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 मींस क्या होता है? मिट्टी। सॉइल मींस मिट्टी। एवरीबडी नो सॉइल। ठीक है, तो सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल क्या है? ये नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसको जो है हम किसी फैक्ट्री में या किसी और जगह नहीं बना सकते। दिस इज नेचुरल। ठीक है ना, तो सॉइल इज नेचुरल। सॉइल जो है नेचुरल रिसोर्स है। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड सपोर्टिंग वाटर मिनरल्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, तो ये सारे चीजें जो है ये सॉइल में होती है। वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, और किसको मिलता है? प्लांट को मिलता है। सॉइल में जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, तो उनसे जो है वो रूट्स क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है उस न्यूट्रिएंट्स को, और फिर वो एब्जॉर्ब करके सॉइल उसको कंज्यूम करता है। इट इज प्लांट कंज्यूम करता है। इट इज द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। बहुत ऑर्गेनिज्म के लिए ये होम है, घर है। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल जो है एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, और एग्रीकल्चर से हमको क्या मिलता है? फूड मिलता है। ठीक है, सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसलिए सॉइल जो है ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब देखिए टॉपिक 9.1, सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। सॉइल जो है हमारे लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। वन डे ड्यूरिंग रेनी सीजन पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व एंड अर्थवर्म कमिंग आउट द सॉइल। तो रेनी सीजन में क्या होता है? सॉइल में जो इंसेक्ट होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनके जो होम है, जो सॉइल है, उनके जो सॉइल में क्या होता है? वाटर फिल हो जाता है। जो वाटर फिल हो जाता है, इसलिए जो सॉइल में इंसेक्ट रहते हैं वो बाहर चले आते हैं। चलिए एक्टिविटी 9.1, एक्टिविटी 9.1 में दिया हुआ है कलेक्ट सम सॉइल सैंपल एंड ऑब्जर्व दैट केयरफुली एंड हार्ड लेंस डिस्कस। एंड इसमें कुछ सॉइल आपके गार्डन से कलेक्ट करना है और उसको ऑब्जर्व करना है कि सॉइल में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, और फिर उसको टेबल बना के लिखना है। चलिए नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉइल प्रोफाइल। व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। सॉइल जो है बहुत सारी लेयर्स से मिलके बना। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। आप एक्टिविटी 9.2 से समझ में आता है। जैसे कि मान लीजिए एक्टिविटी 9.2 एक ग्लास है या जग है या कुछ भी है। ठीक, अब इसमें क्या है? लेयर है, सबसे नीचे जो लेयर है वो ग्रेवल का है। ठीक है, तो सबसे नीचे जो लेयर है वो ग्रेवल में क्या होते हैं? लार्ज रॉक्स पार्टिकल्स एंड स्टोन पार्टिकल्स। तो ये क्या है? ग्रेवल्स। इसके ऊपर क्या है? सैंड है। सैंड, सैंड मींस बालू। दिस वन दैट इज सैंड। फिर इसके ऊपर क्ले। क्ले मींस चिकनी मिट्टी होती है, दैट इज क्ले। देन आफ्टर वाटर,
और फिर इसके ऊपर होता है वाटर, और सबसे ऊपर होता है जो वाटर के एकदम सरफेस पे होता है, ठीक है, दैट इज ह्यूमस, दैट इज ह्यूमस। तो ये आपका क्या है, ये सॉइल प्रोफाइल है, दिस इज सॉइल प्रोफाइल। आप कहीं का भी सॉइल या जो ग्राउंड सॉइल है, ग्राउंड वाटर है, तो उसमें भी क्या होता है, सबसे नीचे ग्रेवल्स होते हैं, स्टोन्स रॉक्स, उसके ऊपर सैंड, उसके ऊपर क्ले, और सबसे ऊपर होता है क्लीन वाटर, ठीक है ना। अब ये क्ले सैंड ग्रेवल्स नीचे क्यों होता है, क्योंकि दीज आर हैवियर देन द वाटर, क्योंकि ये वाटर में हैवियर होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वाटर में अगर आप कोई पत्थर का टुकड़ा डालते हैं तो क्या होगा, एकदम नीचे की तरफ जाएगा, है ना। और जो सैंड होगा तो सैंड भी नीचे जाता है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्लोट कर लेता है, इसलिए सैंड थोड़ा सा ऊपर है। अब ह्यूमस देखिए, ह्यूमस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, क्योंकि ये ह्यूमस लाइट वेट होता है फ्रॉम द वाटर, वाटर से हल्का होता है, तो इसलिए ह्यूमस उस पे फ्लोट करता है। तो दिस इज अबाउट सॉइल प्रोफाइल, लेयर ऑफ सॉइल, इसको क्या कहते हैं, लेयर्स ऑफ सॉइल, लेयर्स ऑफ सॉइल, यही सॉइल के लेयर। देन डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ लास्ट ईयर, देखा आपने, द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस, रॉटिंग डेड मैटर कॉल्ड ह्यूमस, रॉटिंग डेड मैटर्स कॉल्ड ह्यूमस। जो डेड मैटर होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ह्यूमस में क्या होता है, ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियां, ड्राई लीव्स, हस्क, हस्क पार्टिकल, एड्रेशन, सूखी पत्तियां, सूखे कुछ डेड मटेरियल्स, ये सभी ह्यूमस में होते हैं। यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, आप जानते हैं कि सॉइल कैसे बना, बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग, पत्थरों के ब्रेकिंग डाउन ऑफ, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है ना, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, देन बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, क्लाइमेट, बाय एक्शन ऑफ विंड, हवा के द्वारा, वेदर, क्लाइमेट, वाटर से, क्लाइमेट, इसको क्या कहते हैं, वेदरिंग, ठीक है, डब्ल्यू ई ए टी एच, ठीक है ना स्टूडेंट, इसको कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स टूटना, बिखरना। तो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, जो पत्थर है, जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, उनका जब ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो टूटते टूटते वो सॉइल बन जाता है। और कैसे टूटता है, विंड के कारण, वाटर के कारण, क्लाइमेट के कारण। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, जो वर्टिकल सेक्शन होता है, जैसे कि ये है, यही सॉइल प्रोफाइल है। ईच लेयर आर डिफरेंशिएट, और सारे लेयर डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है, जिसमें कि हॉरिजन्स कहा जाता है, दीज लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजन्स,
अब जैसे कि देखिए यहां पे हॉरिजन, अगर हम एक सेक्शन लें तो ये आपका प्लांट ठीक है, ये प्लांट है आपका प्लांट। अब इसमें ये ऊपर का फर्स्ट लेयर, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, लास्ट फोर्थ। तो ये जो ऊपर का लेयर है दिस इज रियल सॉयल, इसमें जो सॉयल है वो रियल सॉयल है विथ ह्यूमस, जिसको हॉरिजन ए है, ए हॉरिजन, ए हॉरिजन। सबसे ऊपर वाला कौन सा हॉरिजन है? ए हॉरिजन। फिर उसके बाद बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, डी हॉरिजन, ठीक है। तो सबसे डी हॉरिजन है, इसमें बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। यू ड्रॉ लाइक दिस, ये क्या है? रॉक्स है, रॉक्स, दीज आर द रॉक्स, ये पत्थर है बड़े, उसके ऊपर छोटे पत्थर, कुछ छोटे, यहां पे क्ले होगा, यहां पे सैंड होगा, सैंड, क्ले, ठीक है। तो ये क्या है? सॉइल प्रोफाइल विथ हॉरिजन, सॉइल का प्रोफाइल है, मतलब आप अगर देखते हैं जो हमारा अर्थ है उसका जो सॉइल है, तो जब आप जितना ही नीचे जाएंगे आपको ये सब मिलते जाएगा, उस वक्त सैंड मिलेगा, बालू, उस वक्त क्ले, फिर रॉक्स मिलेगा, आफ्टर दैट वाटर मिलेगा। तो इस तरह से द नेक्स्ट इज द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क इन कलर है, इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल, जिसमें ह्यूमस और मिनरल होता है, इसलिए थोड़ा सा डार्क कलर होता है। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, और ह्यूमस जो है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, जिससे कि प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। प्लांट को ग्रो करने के लिए ह्यूमस चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट एंड पोरस, और ये जो हॉरिजन है ये सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, एंड दिस इज नोन एज ए हॉरिजन और टॉप सॉइल। इसको क्या कहते हैं? टॉप सॉइल भी कहते हैं, टॉप सॉइल, ओके। देन आफ्टर दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी लिविंग्स, जैसे कि बीटल्स, इसमें बीटल्स होते हैं, अर्थवर्म होते हैं सॉइल में, ठीक है। सो मेनी इंसेक्ट्स आर शेल्टर इन दिस अपर लेयर ऑफ सॉइल। नाउ आफ्टर द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट, इसमें प्लांट्स के रूट होते हैं। द नेक्स्ट लेयर है लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, बट दिस लेयर इज जनरली हार्डर, लेकिन ये जनरली हार्डर होता है, एंड दिस इज नोन एज पी हॉरिजन, दिस इज मिडिल लेयर। After that, the third layer is sea horizon, which is made up of small lumps of rock. जो sea horizon है, छोटे small rocks होते हैं। तो this layer is called bedrock. जो sea horizon होते हैं, उसको after में bedrocks होते हैं। तो below this layer is bedrock, which is hard and difficult. B horizon को bedrock भी कहते हैं, bedrock. तो दिस इज द अबाउट सॉइल प्रोफाइल, ये आपका सॉइल प्रोफाइल है स्टूडेंट्स। यू कैन मेक दिस डायग्राम फॉर स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द फर्स्ट लेक्चर, सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।